मैंने इसको जानबूझकर लोग देखो बिल्ली का बच्चा देख रहा हो कितने कितने सब है अभी अभी हाल ही का है सब पैदा हुए हैं सब देखो काँप रहे हैं सब मुर्गा खा रहा है ना वैसे ही मतलब वैसे ही क्या उन चाचा घर गया था ना तो जिनके घर मतलब मुर्गा बना था तो उन्हें घर खाया तो घर भी आया तो घर ही भी मुर्गा बना था पर घर नहीं में खाना खाया उन्हें बोल दिया कि मैं खाना खा कर आया हूँ तो फिर जैसे ही मतलब जाकर एडिटिंग वेडिटिंग सब मतलब करने रेंडम होने के बाद मतलब उस टाइम मुझे लग रहा है कि 10 बज रहा होगा 10 बजे जैसे 10 बजा उस टाइम इतना मतलब तेज पेट दर्द कर रहा इतना तेज दर्द कर रहा था इतना तेज कि साला बर्दाश्त ही नहीं होता और रात भर मतलब पेट दर्द किया रात खाओ इतना मतलब कि मैं पेट पकड़ कर रात भर सोया था और एक मतलब हम जा रहे हैं बराई क्योंकि रात में तबीयत खराब हो गई थी ना तो इसकी वजह से दवा लेने जा रहे हैं और यहाँ पे ट्रक खड़ा है देख रहे हो ऑटो पे है ना बरेला ना देख मतलब अपडेट पे लगा ही था मैं पर हो गया तो फुल हो रहा है तो हो गया तब तक इसी वीडियो बनाते हैं थोड़ा और जहाँ पे रुका था ना वहाँ पे इतना मच्छर तेज काट रहा था ना तो मैं क्या बताऊँ सुबह उठा वैसे ही काम मतलब पानी भराने के लिए मम्मी तो काली का सुबह साज ही बोली थी पर मैं नहीं मतलब उठ रहा था ना इसको ऐसे और ये जो धुआं धुआं लग रहा है ना इस वाले मोबाइल से बनाता ना तो थोड़ा भी धुआं नहीं लगता एकदम फ्रेश की लाइट है पर चलो कोई बात नहीं चलता है क्या करें मतलब अपडेट आए मतलब अभी नेट उसी मोमेंट में उसमें डाल बन कर नहीं चलाता हूँ बस ऐसे ही नॉर्मली तो वाईफाई स्कैनर का चला रहा था तो अपडेट आया तो मैंने अपडेट दे दिया और इसका नेट भी पूरा चूस गया थोड़ा बहुत नहीं होगा 2 दिन में क्या चलो चलते हैं टंकी पे दिल्लाने टंकी पे आ चुका है पर टंकी वाला आई नहीं तेल पहले पता ना कहाँ गया बुलाता हूँ तब आएगा तेरा बताओ ना तेल तो मिल गया पर आज गुड़िया का सेकल लेकर आया क्योंकि मेरा चैन ना फंस गया है सेकल का तो मैं सोचा कि इसी का सेकल ले लेते हैं मैं उसका लेकर आ रहा था ना तो बोल रहे थे मतलब चार हमारे चारों का साइकिल है तो बहन दो भाई तो चारों का मतलब साइकिल है तो किसी किसी का नहीं कोई चलाता है तो जानते ही ना वो और उसका छोगे तो वो बोलेगा उसका छोगे तो वो बोलेगा तो मेरी कोई चलाता ही नहीं क्योंकि मेरी बड़ी साइकिल है और सबकी छोटी छोटी है तो वो सब चलाते हैं तो बोल रही थी कहाँ ले जा रहे हैं मैं तेल लेने जा रहा हूँ और इधर डार्क आ रहा है ना रुक जाओ सब साफ सुथर से वो डिस्प्ले गंदा था कैमरा नहीं गंदा था मैं सोचू ना कि तुम डार्क आ रहे तो वैसे मतलब बोल रहा था तो बोल रही थी तो इसकी साइकिल ना इतना जाम चल रही है क्या बताऊँ और बॉडी मारते मारते हालत भी खराब हो गया चलो अब घर मिलते हैं रास्ते में देखेंगे सब निकलेंगे हमेशा बस यही करता है अब गाँव में आ गए ना जैसे मैं बता दूं कि इसको तो मोबाइल को मैंने अपडेट दे दिया है और क्या बोल रहा था मतलब कि खेत में पानी तो भरा ही रहा हूँ देख रहे हो उधर इंजन चल रहा होगा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा शायद नहीं सुनाई दे रहा होगा तभी मैं दिखा देता हूँ पाइप बॉड करने के बाद वो चालू हो चालू हो ही नहीं बोलने का नाम ही नहीं ले रहा था पहले मैंने ईयर निकाला फिर ईयर निकाल कर फिर मारा तभी भी नहीं चालू हुआ तो फिर मैंने उसका जो ईयर फिल्टर नहीं होता है उसको ही खोल कर निकाल दिया तब जाकर स्टार्ट हुआ मुझे लग रहा था कि जंक लेकर जाम हो गया था क्या उसका ईयर फिल्टर इसके वजह से सांस उस नहीं ले पा रहा होता रहा होगा तो नहीं चालू हो रहा होगा दिखाता हूँ देखो ये रहा पाइप देख रहे हो ना लगाया हूँ और ये चल रहा है मैंने इसको जानबूझ कर लॉक किया हूँ क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा तेल पीता है यार पूरा तेल ही पी जाएगा खेत भी नहीं होगा तो चल रहा हूँ घर से खाद लेकर आता हूँ तब तक इसको चलने दो ना चलो घर चलो तो मम्मी बोल रही थी कि ले लो थोड़ा बहुत और ताल में भी खाद मारने जाना है तो मैंने एक जैसे एक बोरा लाया था तो खत्म हो गया है भाई चलो खाद निकाल लेते हैं इसमें से और ये हमें बड़ा दाना वाला दे दिया है भैया मैंने खाद यूरिया निकाल लिया देख रहे हो कितना मोटा दाना है इसका चलो अब लेकर चलते हैं इसको छिट देंगे खेत में पानी तो चल ही रहा होगा और शायद वो बंद भी हो जाता है उसे कोई गारंटी भी नहीं रहता है इंजन का पानी चलता रहेगा और फिर पानी छोड़ भी देगा चलो चलते हैं